समय हम अपनी मेट्रो पकड़ने के लिए जा रहे हैं और समय हमने वॉर मेमोरियल घूमने के लिए जा रहे हैं और जहां शहीदों की सरकार पर रास्ता दिया गया है मेमोरियल में आने का, जो ये वॉर मेमोरियल है इसी के अंदर आने का यहाँ पर व्यू दिया गया है और इसी के अंदर से हम लोग अंदर आते हैं और देखो कितना बढ़िया और कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्मारक करके यहाँ पर लिखा गया है सोवियर शॉप, यहाँ पर वॉरियर्स के वगैरह के यहाँ पोस्टर वगैरह लगाए गए और यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सैन्य गौरव के क्षण 1947-1962 सम्मान पुरस्कार यहाँ पर, थिएटर सम्मान, परमवीर चक्र 8 लोगों को मिला और ये जो जिला की लड़ाई राजौली का कब्जा और ये देखो भारत का नक्शा है जहाँ पर ये सब कब्जा हुआ था, जोजूली और जुसूल राजौरी भारत हैदराबाद गोवा श्रीलंका और ये हैदराबाद का कब्जा और इस तरीके से बना हुआ था। और सामने यहीं पर बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी गई हैं और ये देख सकते हो 1965 का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, हाजी पीर की लड़ाई, फिल्लौरा की लड़ाई, ये सब दिया गया। और जब यहाँ पर आओगे ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्राउड और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखो बहुत सारी दृश्य दिखाए गए हैं, दिखाया गया है और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। जो जब भी आप दिल्ली आते हो ज़रूर आओ एक बार शहीदों के लिए, भाई यहाँ पर जब आओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, सच बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है। सामने यहाँ पर एक साइड दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का यहाँ पर दिया गया है। भाइयों इस समय हम वॉर मेमोरियल के पास आ गए हैं, आप देख सकते हो नेशनल वॉर मेमोरियल करके यहाँ पर बना हुआ है और इसके अंदर आपको हम दिखाने जा रहे हैं और इसके अंदर एंट्री ले लेते हैं और फिर आपको दिखा दें। और इसमें हम वॉर मेमोरियल में एंट्री ले चुके हैं और आप देख सकते हो इसका व्यू किस तरीके का है और यहाँ पर पानी के फव्वारे वगैरह बने हैं और जस्ट सामने यहाँ पर इंडिया गेट है। तो आगे चलते हैं, ये शाम के समय लाइटिंग हो जाती इतना प्यारा लगता है और भाई जवान से हमें प्यार है, प्यार प्यार समझते हो कि नहीं, प्यार है, दिल आता है भाई जवानों पर, इंडियन आर्मी से प्यार है और उस प्यार को देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। और ये सामने आप देख सकते हो ये वॉर मेमोरियल का जो स्तंभ यहाँ पर बनाया गया है वो है। और चलते हैं पास और शाम के समय लाइटिंग का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, इतना मस्त यार। जो सैनिक शहीद हुए हैं उन्हीं की याद में इसको 2019 में बनाया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। तो अंदर चलते हैं, अंदर चलकर आपको दिखाते हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से इन्फेंट्री दिवस की शुभकामनाएँ यहाँ पर दी जा रही है और ये यहाँ पर आप सामने देख रहे हो अमर जवान ज्योति, और अमर जवान ज्योति को देख कर हम प्रणाम करते हैं और यहाँ पर शहीदों की याद में इसे जलाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो ये सोल्जर वगैरह यहाँ पर, इस समय हम जा रहे हैं और नीचे से इसका व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके के से बना हुआ है। और ये शहीद अमर जवान ज्योति है और रातों दिन ये भाई जलती रहती है और हमेशा 24 घंटे जलती रहती है, अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड
फील कराती है। इस समय हम नीचे आ गए हैं और ऊपर इसका व्यू आप देख सकते हो किस तरीके से लग रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते रहते हैं और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर रेजांगला की लड़ाई वगैरह हुई थी, उसके बारे में यहाँ पर जो दृश्य दिखाया गया है किस तरीके से, कितना अच्छा यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। और ये पानी वगैरह यहाँ पर फ्लो होता रहता है। और आगे चलते हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ दिखाते हैं। आप सामने देख सकते हो तीनों सेनाओं के यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं, सत्यमेव जयते, अशोक स्तंभ, उसके नीचे इंडियन आर्मी, फिर इंडियन नेवी, फिर इंडियन एयरफोर्स, तीनों का लोगो यहाँ पर दिया गया है और तीनों का कंबाइंड लोगो यहाँ पर लास्ट में राइट साइड में दिया गया है। तलवार और नीचे एक और चील बीच में बना है इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, तीनों का यहाँ पर सम्मिलित लोगो दिया गया है। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो पिथवाल की जो लड़ाई हुई थी उसका यहाँ पर कुछ दृश्य दिखाया गया है और सामने यहाँ पर शहीदों के बारे में लिखा भी गया है और पढ़ सकते हो उसको जूम करके यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हो सोल्जर वगैरह यहाँ पर हैं। आगे चल रहे हैं और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर देख सकते हो सोल्जर वगैरह, ये सामने अपना सोल्जर। समय हम उस जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर बहुत सारे जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय बहुत सारे हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। और नाम को हम दिखाने से पहले उसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसको हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद बल प्रयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया। भारतीय सैन्य दल 27 अक्टूबर 1947 और 1949 के बीच जो युद्ध वगैरह हुआ था और उसके बारे में जो बहुत ज़्यादा 323 वीर चक्रों से सैनिकों को सम्मानित किया गया था उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो वो नाम आपको हम दिखाते हैं, पास से देखना। और बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, कितने के नाम यहाँ पर, 25,000 से भी ज़्यादा सैनिकों के नाम यहाँ पर पूरे एरिया में सम्मान के रूप में लगाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी यहाँ पर दीवार बनाई गई है और यहाँ पर पर सैनिक वगैरह हैं और सर एक सोल्जर है जो इसी तरीके से हमेशा खड़ा रहता है। और वो देख सकते हो किस तरीके, जैसा लग रहा है स्टैचू है लेकिन शायद हमको लगता है वो खड़ा है वहाँ पर। और एयरफोर्स का है वो बंदा और देख सकते हो सामने, पास से जूम करके हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अमर जवान करके लिखा है ये गोल्डन लेटर में लिखा गया है। और ये देखो स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है। और आगे चलते हैं और आगे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में बना है, 44 एकड़, लगभग 56 बीघा जो होता है, 56 बीघे में ये बनाया गया है और 176 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और 25,000 से भी ज़्यादा सैनिक जो शहीद हुए थे उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। और जिधर भी आप नज़र डालोगे उधर जवानों के यहाँ पर नाम आपको दिखेंगे। और बहुत
पास आपको दिखा रहे थे। और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जय हिंद के साथ अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में और चीज़ें आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय।